अब देखिए, मेरे पास कार्बन कैनन डेड मोबाइल है, ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अब वो ऐसा फॉल्ट आई, जब हम कैसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैं ये वीडियो में तुम्हारे को बताने वाला हूँ। पहला हम क्या करना है कहे तो, मोबाइल शॉर्टेज क्या तो है क्या हम चेक कर लेना है। और चेक करने के लिए हमें मीटर को बजे रेंज में रखना है। यही तरीके में मीटर को बजे रेंज में रख के बाद में हम रेड प्रोब को बॉडी पर लगा के ब्लैक प्रोब को फेस पर, फेस पैंट पर लगाने से हमारा शॉर्टेज है तो बजर साउंड आता है। लेकिन हमारे 359 रीडिंग दिखा रहा है, 360 रीडिंग दिखाता है, इसलिए मोबाइल शॉर्टेज नहीं है, मोबाइल शॉर्टेज नहीं है, अच्छा है। अब हम फिर बैटरी लगाकर हमारे को सीपीयू तक पावर टू सप्लाई जाता है नहीं है कि चेकिंग कर लेना है। मैं चक्कर के लिए ऐसा अलग बैटरी एक लेकर इससे मैं सप्लाई देता है मोबाइल को, देखिए। ये ग्राउंड पॉइंट है ब्लैक, ये रेड, ये येलो प्रोब फेस पॉइंट है, फेस सप्लाई है, फेस सप्लाई वी बैट पर लगाना है। लगाकर अब हम चेक कर लेंगे, मीटर को DC 20 रेंज पर रखना है, DC वोल्ट हम सप्लाई चेक करने के लिए। देखिए 3.78 मिनिमम, 3.8 वोल्ट हमारे को ये बैटरी में सप्लाई है। अब ये सप्लाई हमारे को CPU में यहाँ को आएगा, ये कैपेसिटर तक आएगा। अब देखिए नजुक से बताता है मैं, ये कैपेसिटर तक आता है हमारे फेस सप्लाई बैटरी से। ये हमारे को CPU में जाने वाला सप्लाई है। ओके, CPU तक सप्लाई बराबर से आता है। अब हमारे को पावर स्विच को सप्लाई जाता है ना, इसे चेकिंग करेंगे। हमारे को ये रेसिस्टर से पावर स्विच को सप्लाई जाता है, पावर बटन को, कि ये भी बराबर है, ये सब बराबर है तो भी हमारे को मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, देखेंगे। देखिए मोबाइल ऑन करके देखेंगे, देखिए मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। यही पोजीशन में हमारे को हम क्या करना है कहे तो, ये पावर स्विच का आना बटन को भी सप्लाई आता है नहीं है कि एक बार चेक कर लेना है। ओके, इसको भी सप्लाई आता है, ऐसा लगाने से भी हम मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है।
मोबाइल सीपीयू भी अच्छा है, इसका सप्लाई भी बराबर आता है, आउटपुट ऑन ऑफ स्विच का सप्लाई भी आता है, ये पूरा अच्छा रहे है तो भी हमारे को मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि तो ये क्रिस्टल फेल्ड होता है, ये क्रिस्टल फेल्ड होने से भी हमारे को मोबाइल ऑफ हो जाता है, ऑन नहीं होता है। उसके लिए हम ये सब बराबर है, जब हम क्या करना है कि तो ये क्रिस्टल चेंज करना है, ये क्रिस्टल चेंज करने से हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम ये क्रिस्टल चेंज करेंगे, ओके क्रिस्टल डाल दिया है मैं। अब ये बोर्ड कूल होने के बाद फिर बैटरी लगाकर चेक करेंगे। अब बैटरी लगाकर चेक करेंगे, ओके लगा दिया है। अब फिर एक बार सप्लाई चेक कर लेंगे हम। सप्लाई चेक करने के लिए डीसी मीटर को डीसी 20 रेंज पर रखना है। ओके सप्लाई आता है, हमारा पावर स्विच को भी सप्लाई आता है। अब इधर भी चेक कर लेंगे, इधर भी सप्लाई आता है। अब ऑन करके चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं है कि। ओके मोबाइल ऑन हो गया है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक एक बार हमारे को ये क्रिस्टल भी अच्छा रहता है, ए सी पी भी अच्छा रहता है, सप्लाई पूरा अच्छा रहता है, वैसा मौके में भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। वैसा मौके हम क्या करना है कहे तो थोड़ा वाटर पड़कर वाटर डैमेज होने से सी पी यू भी वैसा प्रॉब्लम आता है। वही मौके में हम क्या करना है कहे तो पेस्ट डालकर इसको हीट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वैसा हम सॉल्व कर लेना है। ऐसा नया वीडियो पूरा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।